दबंग शराब कारोबारी और लाचार वर्दीधारी की पोल खोलता हुआ ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। यूपी के कुशीनगर में एक बार फिर लाचार दिखी खाकी वर्दी। आपको बता दें कि तरिया सुजान थाना क्षेत्र के 3 भेड़िया डोल मेला में शराबबंदी के बाद भी खुलेआम शराब बिकने की शिकायत पर पुलिस पहुंची और अवैध तरीके से बेची जा रही शराब को सिपाही ने अपने कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई करने और कप्तान को बताने की दुहाई देते रहे, लेकिन दबंग शराब कारोबारी अपने गुर्गों के संग मिलकर सिपाही को पकड़ लिया और उसके बाद शराब को लुटवा दिया। सिद्धार्थनगर के इटवा तहसील के अंतर्गत थाना गौलहोरा पुलिस ने 3 शातिर चोर व गांजा तस्कर को तिघरा घाट से पहले चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया। चोरों के पास से 2 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया। बरामद किए गए सामान को पुलिस कब्जे में लेकर विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद नगर के ग्राम नौशहरा स्थित विद्युत विभाग के सब स्टेशन पर तैनात लगभग 45 वर्ष के भारत सिंह 10 वर्ष से संविदा कर्मचारी के पद पर तैनात थे। शाम को नौशहरा में बिजली ठीक करते समय हाईटेंशन तार की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनकी फिरोजाबाद के सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। पोस्टमार्टम कराने के उपरांत परिवारजन भारत सिंह के शव को नौशहरा स्थित विद्युत विभाग के सब स्टेशन पर शव को रख कर मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। हंगामे की जानकारी होते ही बिजली विभाग के अधिकारी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए तथा परिजनों से बातचीत करने के उपरांत उनको शांत कराया और मुआवजे का आश्वासन दिया। क्या मामला है, आप यहाँ क्यों जमा हुए हैं? आप यहाँ क्यों जमा हुए हैं? क्या पूरा मामला है? पूरा आइडिया गया शाम को सिद्धान ले काम किया है, ऐसा सिद्धान ले लोगों को चढ़ा हुआ है, लाइन ढील दी है, जेई भी था यहाँ पर और वो ऐसो ने फोन से कर गए नीचे, मेरे फोन किया मेरे पास जेई ने, फिर पिताजी फोन से कर गए और करंट लग गया है थोड़ा सा, चल गए थे सब। अब आपकी क्या मांग है? खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए पहले तो, पहले कार्रवाई होनी चाहिए। और जेई ने मेरे पिटाई भी की है, बताना पूरी कहानी क्या हुई थी। गुंडे बुला लिए जेई ने, आवाज लेके गया मैं हॉस्पिटल में, वहाँ से रेफर कर दिए ट्रामा सेंटर में लेकर गया, वहाँ पर जेई ने गुंडे बुला लिए और डेड बॉडी लेने के लिए भाग रहे, मेरी मारपीट की वहाँ पर। जनपद हापुड़ एक बार फिर पुलिस की गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के पलवाड़ा से नानी रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। देश के बड़े रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की आतंकी धमकी के बाद पश्चिम राजस्थान के बड़े रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं जिले के एकमात्र बड़े रेलवे जंक्शन मारवाड़ जंक्शन पर विशेष सतर्कता बढ़ती जा रही है। इसको लेकर जीआरपी और आरपीएफ ने तलाशी ली। मुख्यालय के निर्देश से स्टेशन को अलर्ट किया गया है। आने जाने वाली गाड़ियों और यात्रियों की तलाशी ली जा रही है, साथ ही यात्रियों को लावारिस वस्तुओं से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। धमकी मिलने के बाद में रेलवे के अंदर एसपी साहब के निर्देशानुसार सभी जगह पर विशेष चेकिंग अभियान चला रखा है, जिसमें आरपीएफ को भी साथ में लिया जाकर ट्रेनों प्लेटफार्म आदि को चेक किया जा रहा है और कोई संदेहजनक वस्तु मिलती है तो उसको भी चेक किया जा रहा है और संदेहजनक अगर कोई व्यक्ति है उसको भी चेक कर किया जा रहा है और अगर ऐसा कोई मिलता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर स्थित श्रीगंगानगर जिले में 2 दिन पहले पाकिस्तान से उड़कर आए एक कबूतर को विशेष परीक्षण के लिए आज बीकानेर ले जाया गया। इसके बाद उसे चिड़ियाघर में भेज दिया गया। फिलहाल उसकी मेहमान नवाजी शानदार तरीके से हो रही है। उसे एसी की हवा के बीच रखा गया है। उसके पैरों पर उर्दू भाषा में बहुत कुछ लिखा हुआ है, जो लिखा है उसे तो समझ लिया गया है। पिंजरे में कैद कबूतर की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। उसकी सुरक्षा में 1 SI और 2 सिपाही लगे हुए हैं। बताएं ये कबूतर कहां से पकड़ा है और कहां से आया था? ये दिनांक 14 तारीख को थाने पे सूचना मिली कि 61F में सुखदेव बावरी के खेत में एक कबूतर आया हुआ है, जिसको पकड़ के पिंजरे में रख रखा है, जिस पर हमारे CI राजौरा जी ने तुरंत टीम भेज करके इसको बरामद कर लिया वहां से और ये सब से इसका परीक्षण करवा लिया
एक्सरे वगैरह वहाँ करवा लिया, ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है किसी कि पालतू कबूतर ये पाकिस्तान बाउंड्री का अपने यहाँ आ गया। अब यहाँ का विधिवत एसपी साहब के आदेश अनुसार विधिवत इसका परीक्षण करवा के यहाँ चिड़ियाघर में इसको छोड़ दिया जाएगा। क्या एक्सरे वगैरह भी करवाया? दोबारा एक्सरे हो रहा है, पहले एक्सरे करवा लिया था, अब दोबारा यहाँ हॉस्पिटल में दोबारा हो रहा है। ये जो नंबर लिखे हुए पीछे, ये कोई मोबाइल नंबर हो सकता है? ये मोबाइल नंबर है वहाँ के, जिस कोई पाकिस्तानी ने पालतू जो अपना जो है ना वो उसका पालक ने कोई अपने पहचान के लिए इसके मोबाइल वगैरह लिखे हुए हैं, उर्दू भाषा में लिखा हुआ है उस। ऐसी कोई संदिग्ध चिप वगैरह? अभी तक कोई संदिग्ध ऐसे मामला नहीं पाया गया, फिर भी परीक्षण करवा कर के रिपोर्ट लेकर के इसको चिड़ियाघर में कबूतर को छोड़ा जाएगा। ठीक। बहराइच की केसरगंज तहसील के बाढ़ से हो रहे कटान प्रभावित क्षेत्रों का जिलाधिकारी शंभु कुमार ने अप जिलाधिकारी जयचंद्र पांडे के साथ निरीक्षण किया। इस अवसर पर अप जिलाधिकारी केसरगंज रामजीत मौर्य ने बताया कि कटान के कारण जिन लोगों के मकान कट गए हैं उन्हें गृह अनुदान की धनराशि प्रेषित कर दी गई है।